नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। आज पूरा भारत शोकाकुल है, हर तरफ उदासी का माहौल है। राजनीतिक गलियारों के मास्टर नेता कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। अपनी बीमारी के चलते ही मुलायम सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए और वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव की जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, दिग्गज राजनेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है। वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, फिर लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दलों के लगभग वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे। उनका निधन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए उनका जो समर्पण का भाव रहता था, जो वह अपने शासन काल में दिखाने का भी काम करते थे, उनके निधन से दुखी हूं। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों, उनके समर्थकों, जो इस समय शोक में डूबे हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह दुख सहन करने को उनको सामर्थ्य प्रदान करें। मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे, उनके निधन से अपनी क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दे। मुलायम सिंह जी के देहांत की खबर मिली, स्तब्ध हूं इससे।
आज एक युग का अंत हुआ है राजनीति में। नेताजी ने हमेशा समाजवाद के लिए और लोहिया जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करते। सिंह जी का निधन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अवसान है और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी शून्यता है जिसकी कमी शायद ही कभी पूरी हो। मुलायम सिंह जी का एक लोकतांत्रिक व्यवहार था और उन्होंने पदों पर रहते हुए, चाहे वो नेता विरोधी दल रहे हों या मुख्यमंत्री पद पर रहे हों, हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष के नेताओं का सम्मान किया, विपक्ष की आवाज सुनी, जनता के लिए काम किए। उनका उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान रहा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। साहब की डेथ का हम सभी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, बहुत बड़ा ये एक वाकया है। और मुलायम सिंह यादव साहब ने एज अ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो पूरे स्टेट को तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट की राह पर ले गए थे, उनकी इन खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोगों का शब्द नहीं आज, हमने अपना व्यापक खो दिया आज। मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। आप श्रद्धा समझ अपने नेता को समर्पित करते हैं। आप बहुत करीब रहे हैं मुलायम सिंह, कुछ ऐसी बातें जो होंगी जो आपको याद आ रही होंगी आज। मुलायम सिंह साहब दिल से जुड़ते थे और कार्यकर्ता को भरोसा रहता था कि हमारा नेता है, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम जैसे तमाम नौजवानों को मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी कहा गया। समाजवाद और लोहियावाद के एक युग का अंत है उनका जाना। गांव की पृष्ठभूमि, गांव की आवाज, गांव की बोलचाल, हिंदी के बहुत ही प्रिय हिंदी भाषी, तो मुलायम सिंह जी एक व्यक्ति नहीं पूरे एक व्यक्तित्व थे। और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने देश की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। आज उनका जाना न केवल समाजवादी पार्टी के लिए या न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत से स्मरण उनके साथ हैं, मेरा उनसे निकट का रिश्ता था, मुझे बड़ा स्नेह करते थे। कई बार उनसे मुलाकात हुई, मैं अभी मेदांता भी उन्हें देखने गया था। पूरे देश में चाहे उनके विरोधी रहे हों चाहे उनके समर्थक रहे हों, सबको उनका जाना एक पीड़ा दे रहा है, एक तकलीफ दे रहा है। जबकि हम जानते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है, आवागमन संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन फिर भी नेताजी के जाने से एक खालीपन जो देश की राजनीति में आया है, खास तौर से जो गांव के लोग हैं जो उन पर अपना अधिकार समझते थे, गांव की आवाज़, किसान की आवाज़, और मैं समझता हूं कि अब इस दौर में दूसरा मुलायम सिंह यादव कभी पैदा नहीं होंगे। आज बहुत ही दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। ये दुखद समाचार है। एक जीवंत व्यक्तित्व का धनी, अपने कार्यकाल में बोल्ड और सक्षम निर्णय लेने वाले, उनकी पहचान थी। ऐसे व्यक्ति का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक दुखद अध्याय है। मैं उनको शत-शत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की सूचना से स्तब्ध हूँ और बहुत बड़ा दुख महसूस कर रहा हूँ। एक राजनीतिक यात्रा उनकी अगर देखी जाए तो धरातल से उठकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की अपनी पहचान कराना, स्वयं की पहचान कराना, सभी दलों के नेता उनका सम्मान करते थे और वो खुद स्वयं सभी नेताओं के साथ अच्छे मधुर संबंध रखते थे, किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के, सभी को साथ लेकर के चलने वाले थे वो। ऐसे मुलायम सिंह जी का निधन एक राजनीतिक
क्षति बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्ण क्षति है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान उनको सहन शक्ति दे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने तमाम समाज के लोगों को नेता बनाने में अहम भूमिका निभाई और तमाम समाजों की पहचान उन्होंने राजनीति क्षेत्र में कराई। ऐसे माननीय मुलायम सिंह जी के लिए मैं एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शोक संतप्त परिवार को अपनी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सहन करने की शक्ति दे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवारजनों, परिजनों और समर्थकों को ये दुख की घड़ी में संभल दे। माननीय नेताजी के जाने से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति की एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। मैं आशा रखता हूँ कि उनके परिवारजन इस दुख की घड़ी में अपना धैर्य और धीरज बनाए रखेंगे, हम सब उन लोगों के साथ। ये तो बड़ी दुख की बात है कि आज मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है। भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC ST का नेता, माइनॉरिटीज़ का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है। उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑफ ऑप्शन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। मुलायम सिंह जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, एक सामान्य परिवार से वो देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, संसद में 7 बार सदस्य रहे और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 8 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इतना लंबा समय उनका जो जनप्रतिनिधि का उनका कार्यकाल रहा, ये देश में शायद ही किसी को इतना लंबा समय काम करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। वो अपने संघर्षों के बल पर, और मुलायम सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो यारों के यार थे, अपने साथ अपनी दोस्ती चाहे दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके भी अपने दोस्तों को वो मदद करते थे, ये उनकी एक पहचान थी। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया वो आज भी याद किया जाता है। पहले अपने देश के शहीदों को उनके बेल्ट और कैप आता था, लेकिन मुलायम सिंह जी के रक्षा मंत्री होने के बाद जो शहीदों का पार्थिव शरीर भी, मैंने उनके परिवारों को उनके जनपदों में जो एक राजकीय सम्मान के साथ जो आने का सिलसिला जारी हुआ, वो उसमें मुलायम सिंह जी का ही एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने सीमाओं पर भी जा कर के अपने देश के सैनिकों का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया, रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया। और मैं तो विद्यार्थी था उस समय से, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मैं मिलता रहता था। मेरे मामा जी उनके साथ विधायक होते थे और मैं वहीं पर रह करके पढ़ाई करता था, तो तब से मैं उनसे मिलता रहता था और हम लोग दूसरे दल में दूसरे विचारधारा के लिए काम करते रहे, लेकिन जब भी हम लोग उनसे मिलते थे तो उनका एक स्नेह और प्यार इतना रहता था। और अभी कुछ दिन पहले ही जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ था तो मैं उनसे मिलने के लिए गया था और ऐसा अभी कहीं वैसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में हम सबको वो छोड़ करके चले जाएंगे। उनके जाने से उत्तर प्रदेश की तो क्षति हुई है, पूरे देश की क्षति हुई है। अब मुलायम सिंह जैसा नेता मिलने ही पैदा होते हैं, इसकी कमी सदैव देश को रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी नेता, किसान पुत्र,
धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारत की राजनीति को भारी क्षति हुई है। मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार जनों को यह भारी दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं